भागदौड़ भरे इस जमाने में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल करने लगा है, और करे भी क्यों ना। ऑनलाइन शॉपिंग आसान होने के साथ साथ हमारा समय भी बचाती है, पर क्या ऑनलाइन शॉपिंग सेफ है? नोएडा के एक थाने में एक महिला ने डिलीवरी बॉय पर दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला ने बीते दिनों ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था जो खराब निकल गया, जिसके बाद महिला की शिकायत पर डिलीवरी बॉय कंपनी की तरफ से सामान वापस लेने आया था। महिला का आरोप है कि डिलीवरी बॉय ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला ने इसका विरोध किया। उसके चिल्लाने पर आरोपी भाग गया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में आरोपी डिलीवरी बॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह के कई आपराधिक मामले सामने आए हैं। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें ध्यान में रखकर आप इस तरह की आपराधिक गतिविधियों से बच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस शख्स से डिलीवरी लेते हैं उसके पास कंपनी की फोटो आईडी जैसा ब्योरा हो। डिलीवरी लेते वक्त डिलीवरी बॉय की हर गतिविधि पर नजर रखें और जरा भी लापरवाही न बरतें। यही नहीं, अपने बच्चों को भी सावधान करें। डिलीवरी लेने के वक्त डिलीवरी बॉय के लिए तब तक दरवाजा न खोलें जब तक आप उसके बारे में पूरी मालूमात न कर लें। डिलीवरी लेते समय घर के दरवाजे को खुला ना छोड़ें, और ये भी जताएं कि घर में आप अकेले नहीं हैं, और भी लोग आपके साथ घर में मौजूद हैं। यदि आपने हाल ही में कुछ ऑर्डर नहीं किया है या कोई पार्सल आपके पास वक्त से पहले आ गया है, तो उस पोर्टल पर एक कॉल करें जिससे आपने खरीदारी की है, और दोहरी जांच जरूर करें। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद डिलीवरी बॉय से सामान लेते वक्त ये कुछ ध्यान रखने लायक बातें हैं जिन पर अमल कर आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग सेफ कर पाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।